सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। आपका पसंदीदा कार्यक्रम 70 का संग्राम में आप सभी को हम उत्तराखंड की चुनावी खबरें दिखाते हैं। इसके अलावा भी कई बड़ी खबरें दिखाते हैं जो आपसे सरकार से जुड़ी होती हैं। 70 के संग्राम में आज हम आपको पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे से जुड़ी हर तस्वीर हर अपडेट दिखाएंगे। इसके अलावा पीएम के दौरे पर विपक्ष ने सवाल क्यों उठाए ये भी आपको दिखाएंगे। साथ ही देवस्थानम बोर्ड से जुड़ी सबसे ताजा अपडेट भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड की और भी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे से। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। आनंद रूप शिवोहम शिवोहम। भक्त पीएम मोदी आज बाबा केदारनाथ के द्वार पहुंचे। यहां पीएम ने भगवान केदारनाथ की पूजा अर्चना की और केदारनाथ धाम से देश को भक्ति का संदेश भी दिया। पीएम मोदी करीब 4 घंटे केदारनाथ धाम में रुके और यहां पूजा अर्चना से लेकर करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता हूं यहां के कण कण से जुड़ जाता हूं। यहां की हवाएं, हिमालय की चोटियां, बाबा केदार का सानिध्य न जाने कैसी अनुभूति की तरफ खींच के लिए चला जाता है जिसके लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं। यात्री सेवाओं और सुविधाओं से जुड़ी कई योजनाओं का शिलान्यास भी हुआ। पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण हो, यात्रियों की और इस इलाके के लोगों की सुविधा के लिए आधुनिक अस्पताल हो, सारी सुविधाओं वाला अस्पताल हो, रेंट सेंटर हो, ये सभी सुविधा श्रद्धालुओं की सेवा का माध्यम बनेगी। उनके तीर्थाटन को अब कष्ट से मुक्त, केदार से युक्त, जय भोले के चरणों में लीन होने का यात्रियों के सुखद अनुभव। और चलिए अब आपको पीएम मोदी की भक्ति आराधना की 5 तस्वीरें दिखाते हैं। गर्भगृह में पूजा के दौरान प्रधानमंत्री ने बाबा केदार पर जलाभिषेक किया, बाबा की आरती उतारी और फिर सामने बैठे नंदी की भी पूजा अर्चना की और फिर मंदिर के बाहर आकर परिक्रमा भी की। ये 5 तस्वीरें पीएम के दौरे से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। वहीं एबीपी गंगा संवाददाता विनोद कुमार ने उस आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल का जायजा भी लिया जिसका पीएम मोदी ने आज अनावरण किया है, देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आदि गुरु शंकराचार्य की इस प्रतिमा का अनावरण किया है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन निशांत चौहान से कहूंगा कि इस प्रतिमा को दिखाए कि आखिरकार आदि गुरु शंकराचार्य की इस प्रतिमा का भारत के प्रसिद्ध जो शिल्पकार है उन्होंने इस प्रतिमा को तराशा है और 2013 की आपदा के चलते यह प्रतिमा बिल्कुल तबाह हो चुकी थी और उसके बाद ठीक केदार घाटी में आदि शंकराचार्य की मूर्ति को स्थापित किया गया है। इस समाधि स्थल का आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और तमाम अन्य मंत्रीगणों के साथ साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रतिमा का अनावरण किया है और 2013 की तबाही में ये प्रतिमा बिल्कुल नष्ट हो गई थी जिसको अब दोबारा से यहाँ पर स्थापित किया गया है। लिहाजा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रतिमा का अनावरण किया है और उसके अलावा अगर बात करें
तो इसके साथ साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनर्निर्माण के तमाम कार्यों का यहाँ पर जायजा लिया, निरीक्षण किया और स्थलीय निरीक्षण भी किया। और महत्वपूर्ण ये था कि जब आदि शंकराचार्य की इस प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री कर रहे थे तो उसके अलावा देश के अलग 11 ज्योतिर्लिंगों में भी इसका प्रसारण किया जा रहा था। इसके साथ साथ अपने संबोधन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी उत्तराखंड के बारे में जिक्र किया और उत्तराखंड के इस केदार धाम को भव्यता से सजाने का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है। अपने सहयोगी कैमरामैन निशान चौहान के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, केदारनाथ। वहीं अपने केदारनाथ दौरे के दौरान पीएम मोदी ने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान पीएम ने आदि शंकराचार्य को नमन किया और शंकराचार्य की प्रतिमा के सामने काफी देर तक साधना की। पीएम मोदी की आदि शंकराचार्य की भक्ति की 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण हुआ उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीएम मोदी ने नमन किया और काफी देर तक मौन वहां पर बैठे रहे पीएम, उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। साधना में लीन पीएम मोदी की तस्वीरें, ये 3 तस्वीरें जब आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल पर पहुंचे थे उनकी मूर्ति का अनावरण किया उस वक्त की ये तस्वीरें। वहीं पीएम मोदी के दौरे पर विपक्ष ने जमकर निशाना साधा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि बाबा के दर्शन कम, पार्टी की मार्केटिंग कराने ज्यादा आते हैं पीएम। उधर गणेश बोदियाल ने कहा कि पीएम जहां भी जाते हैं कैमरा साथ लेकर चलते हैं। सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी तो वहाँ राजनीतिक भाषण के लिए आए हैं, उनको अपनी पार्टी की मार्केटिंग के लिए आए हैं और हम बहुत केदार बाबा के दर्शन कम कर रहे हैं, केदार बाबा का नाम लेकर के अपने दर्शन ज़्यादा लोगों को थोड़ी महंगाई और बढ़ा दी और लोगों का दर्द और ज़्यादा गुस्सा फूट पड़ा तो वो वहीं समाधि लेकर के बैठ भी जाए। प्रधानमंत्री जी की आध्यात्मिक यात्रा का हम स्वागत करते हैं, लेकिन कैसे प्रधानमंत्री जी हैं कि जो अपनी माँ से मिलने जाते हैं तो वहाँ भी कैमरे लेके जाते हैं और बाबा केदार से मिलने जाते हैं तो वहाँ भी कैमरे लेके जाते हैं? आप सोचिए खुद। मैं तमाम देश के उन तमाम लोगों से जिनकी धर्म में आस्था हो, मैं उन लोगों के जेहन में जाकर अपनी बात रखना चाहता हूँ। मेरी बात को अपने कसौटी पर कसें और इसका मनन करें कि क्या कोई धर्म परायण व्यक्ति भगवान की आराधना करने में कैमरे लेकर वहाँ जाएगा? उधर देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों का धरना भी जारी है। आज जब पीएम मोदी केदारनाथ पहुंचे तो पुरोहितों ने सोचा कि पीएम मोदी देवस्थानम बोर्ड को लेकर कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने अपने भाषण में इसका जिक्र नहीं किया, जिसको लेकर 4 धाम तीर्थ पुरोहित, महापंचायत के प्रवक्ता ब्रजेश सती और 5 मंदिर समिति गंगोत्री धाम के सुरेश सेमवाल ने नाराजगी जाहिर की। नरेंद्र मोदी के एक दिवसीय केदारनाथ दौरे को लेकर तीर्थ पुरोहितों एवं महाप्रभुधारियों को काफ़ी उम्मीदें थीं कि वे अपने दौरे के दौरान 4 देवस्थानम प्रबंधन विधेयक पर कोई सकारात्मक संदेश तीर्थ पुरोहितों को देंगे, लेकिन केदारनाथ में अपने उद्बोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं किया। जरूर इसको लेकर तीर्थ पुरोहितों में कहीं ना कहीं मायूसी है। माननीय मोदी जी आए थे, हमें आशा थी कि वो इस काले कानून को ख़त्म करने के लिए एक शब्द बोलेंगे, चलिए उन्होंने नहीं बोला, लेकिन उत्तराखंड सरकार इसको 30 तारीख को उन्होंने डेट दी थी, सभी नेताओं ने बोला अगर ये ख़त्म नहीं किया तो मुझे निश्चित तौर पे हम 10 तारीख के बाद बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और निश्चित तौर पे भाजपा का सफाया उत्तराखंड से होगा होगा होगा। इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे, कल बंद होंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। भैया दूज के मौके पर शीतकाल के लिए कपाट बंद हो जाएंगे। यमुनोत्री धाम के कपाट कल दोपहर 12:15 पर बंद कर दिए जाएंगे और अगले 6 महीने के लिए यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। आपको बताएं कि मां यमुना की उत्सव डोली खरसाली गांव लाई जाएगी और खरसाली गांव में 6 महीने तक यमुना मंदिर में ही पूजा अर्चना होगी। तो अगले 6 महीने के लिए कपाट बंद कर दिए जाएंगे। यमुनोत्री धाम के कपाट आज बंद हो चुके हैं और कल यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। 70 के संग्राम में अब आपको दिखाएंगे हरिद्वार की सबसे हॉट सीट का सियासी गणित। हरिद्वार शहर सीट से मदन कौशिक विधायक हैं। वैसे तो इस सीट पर पिछले 20 साल से मदन कौशिक ही राज करते आ रहे हैं, मगर इस बार जनता का मूड क्या है, बात इसी पर देखेंगे। हरिद्वार शहर विधानसभा सीट भाजपा का गढ़ रही है। यहाँ से मदन कौशिक लगातार 4थी बार विधायक है। करीब 20 सालों के विधायकी के कार्यकाल पर नजर डालें तो मदन कौशिक का ये किला हर बार अभेद है। राज्य गठन,
यानी 2000 के बाद से ही मदन कौशिक इस सीट पर कब्जा जमाए हुए हैं। मदन कौशिक मौजूदा सरकार में करीब 4 साल तक शहरी विकास मंत्री रहे, अब वो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। राज्य गठन के बाद से मदन कौशिक ही इस सीट पर अपना कब्जा बनाए हुए हैं। 2007 में मदन कौशिक प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले विधायक रहे थे, जबकि 2017 के चुनाव में वे सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले दूसरे नंबर के विधायक रहे थे। मदन कौशिक को लगता है कि जनता इस बार भी उनका ही साथ देगी। आज आप देखेंगे हरिद्वार में अगले 25 साल के लिए हमारे पास पानी पर्याप्त है। हमारे यहाँ देखेंगे आप बिजली की कहीं ट्रिप कोई बहुत बड़ा फॉल्ट हो जाता होती है, 24 घंटे बिजली है, पानी हमारे पास है, सड़क स्थिति बहुत बेहतर है, अंडरग्राउंड हमारे पास गैस का काम, बड़े बड़े जितने हमारे अंडरपास की दो समस्या थी उनका समाधान हो गया, अच्छे अच्छे चौराहे हमने बनाए हैं। सुबह को वॉकिंग पॉइंट थे पहले, अब हमने 5 ऐसे बड़े बना दिए जहां सुबह को हजारों लोग सुबह टहलने जाते। मदन कौशिक ने मौजूदा कार्यकाल में बिजली की अंडरग्राउंड लाइनें बिछवाई, तो वहीं कुंभ के दौरान कई पुल, सड़कें, सीवर लाइन और पेयजल लाइनों का जाल बिछाया गया। शहर की अधिकतर गलियों में नई सड़कें बनाई गई, लेकिन इस सब के बावजूद विकास की दृष्टि से अभी काफी काम होना बाकी, जिसके नाम पर जनता 2022 में वोट करेगी। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिखौला की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि हरिद्वार शहर विधानसभा क्षेत्र की जनता के बड़े मुद्दे क्या हैं। बड़े मुद्दों में सबसे पहला मुद्दा शहर में पार्किंग की समस्या है, जो जनता के लिए बड़ा मुद्दा है। हरिद्वार धार्मिक लिहाज से महत्व भी रखता है, मगर पार्किंग की परेशानी से लोग काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। बरसात के मौसम में सड़कों पर जल भराव की स्थिति हो जाती है, जिसका समाधान नहीं हो पाया, इस बात से भी लोग काफी नाराज हैं। इसके बाद कुंभ मेला क्षेत्र में साफ सफाई नहीं होने से गंदगी फैली है, जिसका आज तक समाधान नहीं हो पाया, इसको लेकर भी जनता में नाराजगी है। सरकारी अस्पताल की कमी की वजह से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जरूरत के हिसाब से अस्पताल यहां पर नहीं है, और ये भी एक बड़े मुद्दे में शुमार है। मेला क्षेत्र में पानी की समस्या, जिससे लोग काफी नाराज हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि हरिद्वार शहर विधानसभा क्षेत्र की जनता विधायक जी को कितने नंबर देती है। पर एक मुख्य समस्या, मात्र छोटी समस्या, पार्किंग। अगर आप कहीं से भी आते हैं, आपको यहाँ पर सबसे पहली जिस चीज़ जूझना पड़ता है वो है पार्किंग। आप गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे, उसकी कोई व्यवस्था, बहुत सुचारू व्यवस्था नहीं बन पाई है, तो यात्री आता है वो परेशान होता है। हरिद्वार की जनता माननीय प्रदेश मदन कौशिक जी के कार्यों से बहुत संतुष्ट है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पूरे चौराहे का आप देख सकते हैं कि पूरा सौंदर्यीकरण कराया हुआ है। कहीं भी निकलते हैं तो जो पहले गलियाँ टूटी टूटी पड़ी थी, सीवर लाइन नहीं थी, तो मैं तो देखता हूँ कि अभी मदन जी की और जरूरत है, काम तो हम तो संतुष्ट। 30 साल में 2 बार कुंभ पड़ा और 2 बार अर्धकुंभ पड़ा, हरिद्वार स्वर्ग से सुंदर होना चाहिए था, जो कि आज तक वैसे का वैसे ही है जैसा 98 में था, 96 में था, 92 में था। मदन जी ने पिछले 20 सालों में केवल हरिद्वार की जनता को जुमले बेचे हैं। कभी वो हर की पौड़ी से रोप पे चंडी देवी पहुँचा देते हैं, कभी वो नगर निगम के माध्यम से फार्म भरवाते हैं मकानों के लिए। विकास कार्य कुछ नहीं किया, ना ही उन्होंने एक हॉस्पिटल खुलवा पाया उत्तरी हरिद्वार की। लगभग पिछले 5-6 सालों से मांग है अस्पताल की,